आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो किल्न है, किल्न का कोण का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सपोज़ कीजिए हमारा ये किल्न है, किल्न का डाया है 4.2 मीटर और ये कोण है, ये कोण का डाया है 2 मीटर, तो इसका आर रहेगा 2.15। और ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये मार्किंग किया है और ये एक यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है ये वाला। यदि हम इसको कैलकुलेट कर लें तो हमारा ये निकल जाएगा। और इधर भी आप देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री में यदि हम इस एंगल को जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला जो एंगल है वो निकल जाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ये टोटल है 2.1 और ये मैंने कैलकुलेट किया ये 2 मीटर है, तो यहाँ से ये होगा 1 मीटर प्लस ये 1.1 मतलब 2.1, तो ये हमारा हो जाएगा 1.1 और ये जो हमारा है ये 1.5 मीटर है, 1.5। तो हमारे पास दो वैल्यू हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। इधर लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड 1.5, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.73। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स 0.73। अब टेन इनवर्स 0.73 का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा 36.12। तो हमारा ये वाला जो एंगल था ये कितना निकल गया 36.12 और ये कितना है 90 का है, तो 36.12 प्लस 90 तो ये हो जाएगा हमारा 126.12 हो गया। अब ये तीनों का जो ऐड रहेगा वो 180 रहेगा, तो 180 माइनस 126.12 कर देने से ये हमारा आएगा 53.88। तो अभी हमने ये वाला जो एंगल निकाला ये हमारा हो गया 53.88। तो ये हमको मालूम है ये वाला 90 है, तो 90 प्लस 53.88 ऐड कर देंगे तो ये निकलेगा 143.88 डिग्री रहेगी इसकी ये वाला ये पूरा। तो इस टाइप से हम ये कोण का एंगल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।